हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। और आज जो है मैं आपको नया टॉपिक्स बताने वाला हूँ मेडिसिन के बारे में, क्योंकि काफ़ी रिकमेंड्स आ रही हैं कि आप मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों आज अपने बर्ड्स जो हैं 25 दिन के हो चुके हैं कम्प्लीटली। 25 दिन में अपने बच्चों का बॉडी वेट जो है आज 1150 समथिंग बॉडी वेट है। और दोस्तों आज जो है अपने 25 दिन होने के बाद में जो है मैं मेडिसिन सारी बंद कर देता हूँ। एंटीबायोटिक भी जो होती है मैं देता हूँ 19 दिन से लेकर 3 दिन रेगुलर लगाता हूँ और 7 दिन पे लगाता हूँ। यही 3 बार दफ़े में मेडिसिन लगाता हूँ, उसके बाद में अब मैं एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करता। और विटामिन भी मैं यूज़ करना बंद कर देता हूँ 25 दिन के बाद में। कैल्शियम भी बंद कर देते हैं। अब जो है अपन जो है देसी जुगाड़ लगाते हैं। 25 दिन होने के बाद में क्या है, बर्ड्स अपने देख लीजिए पूरे प्रॉपर तरीके से ठीक है। अगर बेच बढ़िया चल रहा है तो अपन को कोई भी एंटीबायोटिक या कुछ भी विटामिन वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद में जो है अपन देसी जुगाड़ लगाते हैं। अब देसी में क्या है कि बच्चा जो अभी अगर 20 ग्राम या 50 ग्राम बॉडी वेट गेन कर रहा है, तो वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुगाड़, उससे अपना जो बर्ड्स है डेली पर डे 80 से 100 ग्राम बॉडी वेट गेन करेगा। तो मैं आपको वो मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप वीडियो में प्लीज़ बने रहें। मेडिसिन जो है बिल्कुल देसी है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ती है। उससे जो है अपना बच्चे में अगर कभी आपको बाय द वे IBH के या IBD के कभी सिम्टम अगर नज़र भी आते हैं तो हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। उससे बॉडी बर्ड्स में जो है ना ह्यूमिडिटी पावर बनी होती है, वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप है जो है उस मेडिसिन के बारे में है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आप प्लीज़ पूरी वीडियो में बने रहें। दोस्तों जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा था वो मेडिसिन ये है, उसको जो है मेडिसिन को अपने देसी भाषा में उसको गंवारपाटा बोलते हैं और बाबा रामदेव जो है इसको एलोवेरा बोलता है। ये मेडिसिन जो है हम हर बैच में रेगुलरली यूज़ करते हैं। इसके साथ में जो अपन को लगाना है ये गुड़ लगाना है। दोस्तों ये चीज़ लगानी है, लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो ये कई बार नुकसान कर देती है। अगर आपने एलोवेरा का अगर मात्रा में ज़्यादा ले लिया तो भी नुकसान हो सकता है, आपने गुड़ की मात्रा ज़्यादा ले ली तो भी ये नुकसान कर सकता है। मैं आपको प्रॉपरली डोज इसका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों गुड़ आप जब लेने जाओ दुकान पे तो उसका खास तौर पे आप ध्यान रखें कि गुड़ जितना पुराना हो सकता है दुकान वाले को बोलिए कि मेरे को जितना पुराना गुड़ है वो दिए, वो ज़्यादा काम करता है। तो जितना पुराना गुड़ है वो गुड़ आप लेके आइए। मैं 2 किलो गुड़ लेके आया हूँ अपने 4,500 बर्ड्स के अंदर और मैंने 3 किलो जो है इसको गंवारपाटा लिया। इसकी मात्रा यही होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कमती होने के बाद में क्या ये प्रॉब्लम करता है। गंवारपाटा ज़्यादा मात्रा में होने के बाद में क्या है, बर्ड्स पानी कम पीता है और जो गुड़ है इसकी मात्रा ज़्यादा होने पे बर्ड्स में जो है लूज मोशन होने का चांस होता है। तो इसकी मात्रा बिल्कुल अपन को यही रखनी है। अब दोस्तों जो है मैं इसको किस तरह मिलाता हूँ वो आप प्लीज़ देखिए मैं कैसे इसका जुगाड़। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो गया है, अपन जो है गुड़ को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ये जब तक गुड़ गर्म होता है तब तक अपन जो है अपन एलोवेरा को ग्राइंड कर लेते। तो दोस्तों एलोवेरा को जो है ग्राइंड मशीन के अंदर जो है छोटे छोटे पीस करके पहले डाल देना है इसके अंदर और इसको ग्राइंड करना है। तो इसको ग्राइंड करने के लिए अपन छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। दोस्तों इसको चक्कू की मदद से करना है, ध्यान रहे हाथ की नहीं लगे, और इसको है ना जो छोटे छोटे पीस करने हैं अपन को। ये देखिए दोस्तों अब जो है हम ग्राइंड करने जा रहे हैं इसको, बिल्कुल पानी की तरह इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए दोस्तों अपन ने जो है ग्राइंड किया इसको, ये इस तरह हो गया, बिल्कुल चटनी की तरह इसको ग्राइंड करना है बिल्कुल। देखो देखिए दोस्तों इस तरह ये ग्राइंड होता है। तो क्या है पानी के अंदर बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा, घुल मिल जाएगा ये अच्छी तरह से। अभी आपको पूरा ग्राइंड करके फिर पूरी मेडिसिन मिला के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो है कम्प्लीटली पूरा एलोवेरा को पूरा है जो जूस बना दिया है और इधर गुड़ भी गर्म हो गया है। अब इसका जो अगला प्रोसेस है दोस्तों इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। चलो देखिए गुड़ को जो है अपन को एलोवेरा के अंदर मिलाना है, ये इस तरह का घोल हो जाएगा दोस्तों। इसको 2 बार जो है अपन को मिलाना है, फेट करना है। ये देखिए दोस्तों अपन ने जो है मिक्स कर लिया है, ये जो इस छोटे वाले बर्तन में है वो अपने छोटे वाले शेड में मिलाने के लिए लिया है और ये जो है अपने बड़े वाले शेड के लिए लिया है। अब इसको जो है अपन को पानी से भर लेना है। ये जो है अपन को टूटी के माध्यम से जो है इसको पानी से भर लेना है। पानी से भरने के बाद में कि अपन को इतने कितने बर्तन है, जैसे मेरे इस वाले शेड के अंदर जो है
100 बर्तन समथिंग है, तो उसके अंदर इस बाल्टी से जो है अपन आधा आधा मग्गा डालेंगे, तो उस हिसाब से इसको पूरा भरना है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली जो है पूरी भर ली अपन ने, और अब जो इसके माध्यम से मैं मेडिसिन मिला रहा हूँ। अब आपको देखना है कि ये किस तरीके से मिलाना है। दोस्तों ये जो अपना नाप है इसको मैं 50-50 डालता हूँ। इसमें क्या करना है अपन को, 50 डालने के लिए अपन को यहाँ पे डालना है इसको। अपन जो दूसरी वाली मेडिसिन मिलाते हैं दोस्तों उसको जो है अपन यहाँ पे डालते हैं ऊपर, लेकिन ये जो गुड़ और एलोवेरा जो होता है ना उसको अपन को ऊपर नहीं डालना है, अन्यथा अपन सुबह जब इसको वॉश करेंगे, इसको धोएंगे बर्तन को, तब वो उतरेगा नहीं, क्योंकि इसके चिकनापन होता है इसमें गुड़ में, तो उसके चिड़ जाता है। इसको खास तौर पे ध्यान रखें, इसको गली के अंदर ही डालना है, ये ड्रिंकर डोज ही करना है मेडिसिन को। कभी भी आपको जो है टंकी में नहीं मिलाना है, इसको जो है अपन को बर्तन के अंदर ही डालना है, ताकि क्या, एक तो बर्ड जल्दी से मेडिसिन को पी लेगा, दूसरा क्या है दोस्तों कि कभी अगर बाय द वे बर्ड्स उठा नहीं रहा है पानी को, तो अपन वाल बंद कर लेंगे तो इसको बिल्कुल साफ कर देगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है इस प्रकार ही मिलाना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला। फटाफट से जो है अपना काम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इससे क्या बर्ड्स को डायरेक्टली मेडिसिन मिल जाएगा। अभी तुरंत मिलाया, तुरंत मिल जाएगा। अपन अगर कभी टंकी में मेडिसिन मिलाते हैं तो वो बर्तन में पहुंचते पहुंचते आधा नली में रह जाता है, आधा टंकी में हो जाता है, तो इसको क्या अपन को जो है इसके अंदर ही मिलाना है। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी जो है एलोवेरा और गुड़ वाली टिप्स, जो मेडिसिन जो अपने बॉडी वेट के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इसको अपन जो है रेगुलर नहीं लगाना है, आपको मैं फिर बता देता हूँ। इसको जो है अपन को 2 दिन लगाना है बस। दूसरी कोई भी मेडिसिन होती है उसको अपन 3 दिन यूज़ करते हैं, पर इसको जो है अपन को 2 दिन ही यूज़ करना है। 2 दिन के बाद में अपन को 3 दिन होल्ड कर देना है, उसके बाद में फिर 2 दिन लगाना है। दोस्तों इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं बताऊँ, आप करके देखिए, और आप जो है इसको करने के बाद में जो है अपना बॉडी वेट बहुत अच्छा आएगा, और आप खुद बोलोगे यार कि ये मेडिसिन जो है बहुत काम लाएगी, क्योंकि ये देसी जुगाड़ है और देसी जुगाड़ कभी ख़राब नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, गुड़ है, गुड़ भी बहुत अच्छी चीज़ है, और जो एलोवेरा है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये अपने जो बच्चे के अंदर जो है ना ह्यूमिडिटी जो है बहुत अच्छी बना के रखता है, और बॉडी वेट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। दोस्तों जय श्री राम।